और दोस्तों ये देखिए, मेरे को बहुत शर्म आ रही है ये चीज़ आपको दिखाते हुए, कि वो कहते हैं ना, कहावत है कि घर बसने से पहले उजड़ जाता है। तो शायद ये काम हुआ है, ये ठगी सी महसूस हो रही है। मुस्सेपुर से जो रोड बनाया गया है राज्यपुर की तरफ, इंद्री जाता है जो कि, वहाँ पे आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े गड्ढे, और ये शायद सड़क की जो लंबाई हो में भी 20 फुट के आसपास हो, 20-22 फुट की सड़क है, और उसमें से ये गड्ढा आप देखिए, अगर ये उधर चली जाती है सड़क तो क्या बचना मुमकिन होगा, आप बताइए। ये देखिए हमारे कर्णदेव काम्बोज जी के इलाके में ये जो सड़कें हैं, सड़कों के जो गड्ढे हैं, अभी सड़क बन के तैयार हुई थी उससे पहले ही ये हाल आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा, अभी सड़क बन के तैयार नहीं हुई थी प्रॉपर, बन गई थी मतलब कि जैसा कि दिखाया जा रहा है तस्वीरों में। और आप ये देखिए क्या बुरा हाल यहाँ पे है, सड़क में बिल्कुल गड्ढा हुआ पड़ा है। और हमारे किसान भाई है, बड़े खुश हुए थे सड़क से बनने के बाद, लेकिन उसके बाद मैं एक किसान भाई हैं अपने, जो कि जिनके खेत यहाँ पर लगते हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा कि ये। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। प्रवीण जी, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जो ये सड़क बनाई गई थी आपकी, कितने दिन पहले बनी थी ये? महीना, एक महीना हुआ मतलब सड़क बने हुए, और इस पे जो काम था वो कितने दिन से चल रहा था? वो तो साल सारे। ये देखिए हमारे किसान जी हैं प्रवीण जी, गांव मुस्सेपुर से हैं, जिनके यहाँ पे खेत लगते हैं, एक साल से ज़्यादा इस सड़क पर काम चलते हुए हो गया है, और ये सड़क अभी से टूट गया। क्या आप खुश हो ये सड़क बनी है आपकी? मतलब टूट गई, आपका कहने का मतलब ये है। ये ग्रांट किसने दी थी वैसे? ये तो मंत्री ने करवाया था, मंत्री जी ने काम कराया था। तो देखिए प्रवीण जी हमारे साथ बोल रहे हैं, मंत्री जी ने एक ग्रांट दी थी, कर्णदेव काम्बोज जी आपके मंत्री इंद्री हल्के से, उन्होंने एक ग्रांट दी थी, और इस ग्रांट से आप देख सकते हो जो सड़क है बन के अभी तैयार ही हुई थी, कि इसमें जो खड्डे हैं सड़कें, बुरा हाल हो चुका। तो देखिए इंद्री हल्के में भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैल रहा है, आपको मैं खबर दिखा रहा हूँ। प्रवीण जी हमारे साथ थे, प्रवीण जी ने बता दिया कि सड़क पे जो काम था लगभग एक साल से चल रहा था, और ये सड़क को बने हुए एक ही महीना हुआ है, और ये गड्ढे आप देख सकते हैं सड़क के, और इसके ऊपर जो मटीरियल का प्रयोग किया गया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि किस सामग्री का इस सड़क पर प्रयोग किया गया है। ये पत्थर, पत्थर बिल्कुल निकले हुए हैं, और ये माल है, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो सड़क पे माल लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्त, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सड़क पे दोबारा से कोई कार्यवाही हो सके, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बोला जा सके सड़क को दोबारा से ठीक किया जाए, क्योंकि जो ये ग्रामीण हैं अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं सड़क का क्या बुरा हाल है, अभी पता किया जाएगा इसकी ग्रांट कितने की थी, कितना पैसा इस पर लगाया गया। तो ये देख रहे हैं इंद्री से रिपोर्ट, आप इंद्री के गांव मुस्सेपुर से जो रोड बनाया गया था, और किसान बड़े ही बुरा हाल है यहाँ पे। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पाइप दबाया गया था शायद नीचे से ना, और वो पाइप भी बैठ चुका है, ये निकासी के लिए पाइप दबाया गया था और ये बैठ चुका है जी। अच्छा, पुलिया थी यहाँ पे जी, पुलिया पाड़ के दबाया गया। तो आप सर क्या मांग करोगे सरकार से, कि जो ये रोड बनाया गया है, क्या मांग करना चाहोगे आप? मांग के बस साफ जी है रास्ता, जी रास्ता साफ चाहिए, मतलब जो टूट चुकी है आगे क्या करेंगे। तो देखिए हमारे साथ किसान थे, बड़े ही मेहनत करके ये लोग अपना काम चलाते हैं, और अगर ये सड़कें, इनको ऐसी सड़कें मिलेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो काम है जल्द से जल्द इसको कम्प्लीट किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जो ये मुस्सेपुर से सड़क बनाई गई है, मुस्सेपुर से भी सड़क को बने हुए केवल एक महीना नहीं हुआ, और जैसे ही एक बरसात आई, बरसात में सड़क का क्या हाल है आप ये देखिए। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, ये सड़क बनाई हुई है दोस्तों। मैं आपको, ये थोड़ा गलत लगेगा आपको कि मैं सड़क फाड़ रहा हूँ, ये देखिए आप, ये कितनी मोटी परत इस सड़क पर चढ़ाई गई है। आपको पता कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉली इस सड़क पर जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉली सड़क पे जाती है, और ये ठेकेदार के द्वारा काम किया गया है। सड़क क्या करेगी, मतलब बारिश क्या करेगी, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इतनी मोटा ये सड़क है, नीचे पत्थर है, ऊपर मिट्टी डाली हुई है, और उसके बाद ये सड़क बनाई गई है। ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो ये मुस्सेपुर से और जो ये अपना राज्यपुर की तरफ जो सड़क गई है, आप सामने देख रहे होंगे जीटी रोड सामने जो सड़क गई है, कितना बुरा हाल, ये दरारें पड़ गई हैं सड़क में, सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। ये देखिए, थोड़े दिन पहले हमारे एक मित्र ने भी फेसबुक पे फोटो डाली थी, शायद उनकी फ़ोटो पर इसमें कोई कार्य नहीं किया गया उसके बाद। और ये देखिए मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी हैं, जो हमारे हल्का इंद्री से हैं, उनकी ग्रांट दी गई थी, वो जहाँ भी जाते हैं मीटिंग में इस सड़क का जिक्र करते हैं,
हमेशा जहाँ भी जाते हैं मीटिंग में सड़क का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ सड़क का क्या हाल हो चुका है। सड़क को बने हुए अभी एक महीना नहीं हुआ और सड़क के ऊपर मटेरियल देखिए आप कितना डाला गया है। सबसे पहले तो सड़क को ना लगभग मैं जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि 1.5 साल हो गया बनते हुए, 1.5 साल में कम्प्लीट हुई है सड़क, ज़्यादा ही हो गया होगा समय। 1.5 साल के अंदर अभी ये देखिए सड़क बनाई गई है और ये देखिए आप, इसका मैं पता करूँगा इसका जो टेंडर था वो कितने लाख का या करोड़ का था, और उसके बाद ये बुरा हाल है सड़क का। आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा जो गड्ढे हैं वो भी दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। अब ये देखिए दोस्तों एक और दृश्य है, ये सड़क है बिल्कुल, साइड में इसके जो है ना इंटे लगाई गई है, टेम्परेरी सड़क ये बनाई गई है, इसको हम टेम्परेरी बोल सकते हैं, यानी किसी के जख्मों पर पट्टी लगाई गई है, सिर्फ पट्टी लगाई गई है, उसमें प्रॉपर दवाई नहीं डाली गई। अगर मैं कहावत बोलूँ तो आप ये देख सकते हैं ये सड़क बिल्कुल ही, मैं नहीं मानता कि ये सड़क 2 महीने चल पाएगी। ये देखिए हमारे करण देव जी के द्वारा ग्रांट दी गई है और सड़क की आप पट्टी देख रहे हैं, ये सड़क देखिए आप, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये गड्ढे सड़क पर हुए पड़े हैं, आपको मैं बिल्कुल ग्रांट लेवल की रिपोर्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि सड़क के नीचे मटीरियल क्या लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और ये देखिए एक और बहुत ही सुंदर दृश्य, हम इसको सुंदर ही कहेंगे क्योंकि बहुत सुंदर दिखा रखी है हमारी, जो लोगों का टैक्स का पैसा है, लोगों के टैक्स के पैसे से सड़क बनाई गई है और इस सड़क का भी से ये हाल है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, मैंने आप हमारे यहाँ से खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं करण देव काम्बोज जी, जो कि कभी भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, खास करके मुस्सेपुर, समसपुर, करतारपुर, कलसोरा का जो भी कोई भी उनका प्रोग्राम होता है, मैंने उनको एक बात कहते सुना है कि आपकी एक सड़क थी उसकी बहुत दिनों से मांग थी, वो मैंने कंप्लीट करा दी है। दोस्तों ये देखिए कंप्लीट तो करा दिया है, क्या उनका अभी वैसे एक टैक्स लगेगा आपको, क्या उनका जो अपना वो पर्सनल कार्य करते हैं घर पे, क्या वो मकान बनवाते हैं तो क्या वो ऐसी ही सामग्री का प्रयोग करवाते हैं ठेकेदारों से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है, मुस्सेपुर से जो राज्यपुर की तरफ नया रोड बना है, नया मतलब बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसे घर पे आती है और अगर उसको कोई दाग लग जाए वो काम यहाँ पे कर रखा है मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी के इलाके में। आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, आप इसको अंत तक देखिएगा ज़रूर। ये देखिए मुस्सेपुर से मैं आपको पूरी सड़क दिखा रहा हूँ, क्या हाल इस सड़क का हो चुका है। और मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी को मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी राजनीतिक उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ गलत लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि जो हमारा प्रशासन है, बीजेपी सरकार जो है वो बोलती है कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि मेरे को इंद्री हलके से रिपोर्ट मिली है, कई बार जो वर्क होते हैं सरकारी गवर्नमेंट जो काम होते हैं वहाँ पर कर्णदेव जी के भट्टे घंटे लगाई जाती है, कर्णदेव जी की फैक्ट्री की टाइलें लगाई जाती हैं और शायद ये पत्थर और या ये जो सड़क बनाई गई इसमें भी कहीं ना कहीं उनका मतलब मैं बोल नहीं सकता इस चीज़ को, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हाथ हो सकता है। तो देखिए दोस्त ये ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट, मतलब हमारी जनता का जो पैसा, जनता को जो भरमाया जाता है, जो ग्रांट दी जाती है, वो ग्रांट तो सरकार की तरफ से पूरी आ जाती है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमीशन खोरी का धंधा ये बड़े जोरों शोरों से काम करते हैं। देखिए मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको आगे भी दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं वो मरहम लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। मैं आज इस रोड से निकल रहा था, इंद्री की तरफ जा रहा था, तो मेरे को ये जो रोड देखा तो मेरे को बड़ा ही एक अंदर से गिल्टी महसूस हुई कि हमारी सरकार इतना पैसा दे रही है, हमारी बीजेपी सरकार लोगों का टैक्स ले रही है, हर चीज़ पे टैक्स है, लोग पे करने में कोई कर सकता नहीं कर सकता फिर भी पे कर रहे हैं। और ये देखिए मरहम लगाने की कोशिश इस सड़क पे की गई है, साइडों में मिट्टी डाली गई है, सिर्फ ये थोड़ा सा जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ लगे हुए यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ये मिट्टी टिक पाएगी? देखिए जहाँ पे मिट्टी लगी हुई है वो दोबारा नीचे चल गया। मेरा मानना ये है कि जो रोड बनाया गया है इस रोड को प्रॉपर तरीके से बनाया जाना था, जहाँ तक कि ऊंचा किए गए, हल्का सा इसको और नीचे रखते, वो तो खैर इंजीनियर की सोच है जैसे भी बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस जो रोड है और जो ये ग्रांट दी गई थी मंत्री जी के द्वारा, इस पर ये बात कहीं ना कहीं अमल में लाई जा सके। ये रोड मैं नहीं मानता कि इलेक्शन से अभी विधानसभा के इलेक्शन तक चल पड़ेगा और दोबारा इसकी ग्रांट दी जाएगी, दोबारा इस पर मरहम पट्टी लगाई जाएगी। तो ये देखिए लाइव तस्वीरों में आपको मैं रोड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ।